आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोशा महल बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि वो जब तक जिंदा हैं एआईएमआईएम के सामने शपथ नहीं लेंगे, और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी ये सवाल किया कि जिस तरह से केसीआर ने अपनी कार की स्टेयरिंग एआईएमआईएम के हाथ में दे दी थी, क्या वो भी इसी तरह गलती करेंगे। आइए सुनते हैं राजा सिंह ने और क्या कहा। कासिम रिजवी की नाजायज औलाद अकबरुद्दीन ओवैसी, कल तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनकर वो बैठेगा। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए स्पेशली जियो निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी मैंने यही एमआईएम के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था, वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा, क्या बीआरएस के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो क्या? बीआरएस ने जब तेलंगाना राज्य में सरकार बनी बीआरएस की, तो उनकी कार की स्टेयरिंग एमआईएम के हाथ में देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज जहां सरकारी लैंड वहां पर इनका कब्जा है, आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि बार बार ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का नया मुख्यमंत्री बना है, ये बार बार ये कह रहा था कि बीआरएस एक है, एमआईएम एक है और बीजेपी एक है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और एमआईएम का क्या रिश्ता है। आज तेलंगाना विधानसभा में कई ऐसे सीनियर विधायक हैं, उनको भी आप बिठा सकते थे दूसरे दूसरे पार्टियों के, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, एमआईएम के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती कयो हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाते हैं, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कल किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित नहीं होगा। हम दूसरे दिन जो तेलंगाना राज्य का जो नया स्पीकर आएगा, हम उसके सामने शपथ ग्रहण समारोह। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।